अमावस्या के दिन कुछ ऐसे जबरदस्त बेहतरीन उपाय जो बड़े बड़े दोषों से देगा मुक्ति, बनेगा हर बिगड़ा काम, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान्या सेठ, कैसे आप दोस्तों, बड़ी के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक 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 है कि नहीं, मैंने कहा पहली बोल दो। अच्छा, अब आज जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, पाशा लोगों, कितने लोग पितृदोष जिन लोगों के पत्री में होता है, राहु केतु का असर बहुत ज्यादा अपनी पत्री पे होता है ना, पितृदोष जिन घरों में होता है, एक तो खाना सबसे बड़ा सिम्टम है, खाना खाने बैठेंगे तब धड़ाम धड़ूम कुछ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी एकदम से, है कि नहीं, घर पे झगड़े कलेश की स्थिति इतनी ज्यादा रहती है, पैसा आता है पैसा ठहरेगा नहीं, कहते ना हो सकता है दूसरे ग्रह जो है वो जरूरतमंद पैसा तो दे रहे हैं लेकिन जहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी तो बंदा पटकी खाएगा, सीधी सी बात है। अगर ये सारी चीजें हो रही है, अगर काम बार बार अटक जाता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, कहते ना ऊपर वाले ने अगर हमारी पत्री में ऐसे ऐसे कंजंक्शंस दिए जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बट उन्होंने एक हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी भी दी है कि हम अपने कर्मों से उस चीज का सुधार कर सके, मैं तो बस यही चीज मानती हूँ, सीधी बात है। अब कल आपने क्या करना है, हर अमावस्या पे एक ना अपना एक नियम बना लो, अमावस्या पे भी क्यों, वैसे तो अगर जो इंसान रोज करेगा उसका तो बेड़ा पार, कौन सा बड़ा दोष है जिसको हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब आपने कल जो आपने एक मंत्र से आपने हवन करना है, देखो हवन जरूर करना है, हवन करने बैठोगे एक हल्दी की गांठ जो है उसको अपने लेफ्ट हैंड में रखकर नारियल रख लेना, क्या कहते हैं, कंबल जरूर कल बांटने, पाशा लोगों, चाहते हो ना जिंदगी जिंदगी की गाड़ी बड़ी स्मूथली चले, बहुत हो गया बस यार, बहुत एस्ट्रोलॉजिकल भी भटक लिए, ये पाखंड की दुकानें बस जाए, तुम्हारा गुरु चंडाल दोष है, दोष है, ऐसी कर करके पैसा शॉर्टकट मनी फिर से ठूसे जाओ, बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है, सीधी बात है, मत घबराओ, करो ना, करो ना, कितना बेहतरीन चीज बताने जा रही है अब आपको, पाशा लोगों। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज जो सामग्री होती है, सामग्री ले लेना, उसके अंदर काले तिल डाल देना, ठीक है। किस मंत्र से करोगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः स्वाहा, कितनी माला, पांच माला करनी। मैं क्या कहती, आप देखोगे आपको इतना फर्क पड़ जाएगा। देखो पाशा लोगों, मैं आपको हवा में तीर मारने के लिए बस कुछ भी वीडियो बना दी जिसका आपका फायदा नहीं है, तो उस चीज का क्या फायदा, आपको भी, आपको तो दिख ही रहा होगा एक रट में मैं नहीं चल रही, मैं वही चीज बताती हूँ जो मुझे पता है कि जी कहते ना पाशा लोग की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क लेके आएगा, सही बात कह रही गलत कह रही, ये आपने कल हवन कर देना है कि नहीं। इसके बाद आपने जो कंबल है, कंबल जरूर काले कंबल, देखो भाई काले कंबल, जिन लोगों के भी सर पे कर्ज मुक्ति बहुत ज्यादा है ना, कर्ज कर्ज सर पे बढ़े जा रहा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, अच्छा खासा काम चलता हुआ ठप हो चुका है, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही, आ पा रही, तो ये कंबल आपने हर शनिवार, मैं तो कहती अगर हर शनिवार कर सके, नहीं तो अमावस्या को काले कंबल बांटने ही बांटने, कोई क्या जाता है, मैं कहती जो लोग काले कंबल नहीं कर, काली चद्दर दे दो, काली चद्दर नहीं दे सकते, कम से कम देखो आप किस इंसान किस हालात में वो ही जानता है कि नहीं, इधर में बैठे बैठे ये कर दो वो कर दो नहीं है ना, अगर ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हवन कर देना एक काला रुमाल और थोड़ा सा अपना जो भोजन का सामान है ये जरूरतमंद में जितनी अपनी कैपेसिटी है जितनी अपनी कैपेबिलिटी है ये आपने चीज देके आनी है, पहली चीज ये हो गई। पुस्तकें जो है होती हैं, वैसे तो एक चीज बताऊं, अगर तो बहुत बड़े बड़े दोष है पत्री में, है कि नहीं, इतना लोग डरा देते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी एक चीज बोलूंगी, अगर एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेवारी ले सको,
अगर तो उतनी कैपेबल हो, अगर एक इंसान एक बच्चे की जिम्मेवारी ले सको तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं ले सके कोई बात नहीं, आपने कल जाकर थोड़ी सी कॉपीज पेन वगैरह ये आपने अपना कहते हैं ना बच्चों में बांट देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज आपको बताऊं, जब हम गद्दे पे बैठते हैं है ना, गद्दा जो बेड का गद्दा होता है वो किस चीज का क्या कहते हैं वो क्या हो गया, वो केतु हो गया है ना। कई लोग राहु केतु से परेशान है, शनि से बहुत ज्यादा परेशान है, कल शनि अमावस्या है, सीधी बात है। गद्दे पे बैठ के, अपने बेड के गद्दे पे बैठ के केतु हो गया है कि नहीं, उसमें किस चीज का उच्चारण करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस चीज का जप जप जप, आप देखोगे आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी। एक और जबरदस्त सी चीज बताती, आप अगर शनि ने इतना परेशान कर दिया है, चप्पलें घिसवा दी, एक शनि ना रुला मारता है जब नेगेटिव होने पे आता है। हालांकि मैंने हमेशा एक चीज बोली, एक शनि लोग अरे शनि है शनि शनि, एक शनि बैठा है क्या पत्री में तो दूसरे क्या जग मार रहे क्या ग्रह, सीधी सी बात है, ये चीज क्यों नहीं समझते। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी शनि की दशा चल रही है। चलो मान लो अगर शनि वैसे अंतरदशा में भी आ रहा है, प्रत्यंतरदशा में भी आता है, अगर आपको पता है भाई सैटर्न की, जो लोग साढ़े सती से डर गए, कितना डर जाते लोग, कितना पैसा शॉर्टकट मनी बनाते, हम लोग उनको सक्सेसफुल होने नहीं देंगे है कि नहीं। कंसल्टेशन में बताओ ये चमत्कारी उपाय कहाँ जाते हैं, 5 मिनट की कंसल्टेशन में है। तो एक बहुत बेहतरीन उपाय बताती है, अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर काम नहीं चल पा रहा, जॉब छूट जाती बार बार पाशा लोगों, अगर विवाह, क्योंकि जब शनि नेगेटिव होने पे आता है वो विवाह होने में दिक्कत, विवाह की स्टेबिलिटी, लड़ाई झगड़ा, मैंने वाइफ जो होती है वो फोन पे बात करती कहती मेरे हस्बैंड मेरे को गाली गलौज मारते पीटते हैं, सीधी बात समझे। पहली बात तो जो मुझे देख रहा है, क्या कितने उपाय कर लो, कितने उपाय कर लो, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। जो एक इंसान ये चीजें करता है उनमें तो ऐसे ऐसे ऋण दोष लग जाते हैं जो सुधारने पे भी नहीं सुधरेंगे। याद रखना मेरी बात को, घर की औरतों को बेटियों को जो तंग करता है बचाने पे भी नहीं बचेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, याद रखना शाइना सेठ की बात, सीधी सी बात है। ये जो लड़कियों का पता करके भी अबॉर्शन करा देते हैं, मेरे को बोलने में शर्म नहीं आती, बचाने पे भी चीजें बचती नहीं पाशा लोगों, वैसे भी छोरियां कम है क्या किसी से, सीधी बात है। चलो एक आपको उपाय बताती, एक लोहे का बर्तन ले लो, उसके अंदर सरसों का तेल डाल दो, ठीक है, अपने सर से 7 बार बार कर उसमें अपना चेहरा देखना। कल जिन लोगों को भी बड़ी दिक्कत आ रही है कि नहीं, बहुत जबरदस्त उपाय है ये। अब आपने चेहरा देखकर कोई भी आंख का पौधा जो होता है घर के बाहर, वहां पर आपने ये तेल लेके जाना है, आपने उस पे पहले तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः एक छीटा, ओम प्राम प्रीम प्रोम उसी तेल से ओम ओम ऐसा, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः दूसरा छीटा। अब इस तेल को उसमें पलट दोगे आग के पौधे पे, आपने कटोरा घर पे लेके आ जाना है, 7 शनिवार करना इस चीज को, कितने 7 करने के बाद में, अब जब 7वें शनिवार पे जाओगे ना, वो ऐसे ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः कर दिया, तेल पलट दिया, इस लोहे का जो लोहे की कटोरी थी कटोरा था उसको वहीं उसी गमले में, आग के गमले में गाड़ देना। मैं क्या कह रही हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा ना आप मुझे खुद बताओगे, आपके काम सुधरने लग जाएंगे, आपकी कहते हैं ना कई बार
यूनिवर्स एक ऐसे लगता है कि क्या कसम खा ली है क्या, मेरा बेड़ा पार नहीं होने देना, ये जो कसम खाई है ये टूट जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। इतना जबरदस्त बताया मैंने आपको, इसको चीज आप कर लो, बहुत बहुत फर्क पड़ जाएगा पाशालों को। जो ठप काम था ना अलग, गाड़ी आ जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, कोई घबराओ नहीं, कोई मत घबराओ, सीधी सी बात है, ये पक्के उपाय, पक्के उपाय से हमारा बेड़ा पार होएगा। स्ट्रांग उपाय से कई बार हमारी चीजें ऐसी हो जाती पाशा लोगों के, मतलब छोटी छोटी चीजों से नई बात बन पाती। तो ये जब बड़े बड़े काम बनाने तो उतने लेवल की हमें चीजें करनी पड़ेंगी, सीधी बात है। ये चीज आपने कल जरूर करना है, कल शरबत जरूर बांटना है, शरबत शरबत बांटा करो, हर शनिवार शरबत बांटा करो पाशालों को। बेड़ा पार होने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो परमात्मा बैठे हैं, बहुत बड़े हैं अपने, तो वो हमें कोई प्यार करे ना करे, वो जो बैठे हैं ना वो सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। वो कभी आपको हमारे जो डिफिकल्टियां थे, हमारी लेसन्स होती है, हमारी लर्निंग्स होती है, हमारा सोल इवॉल्व हो, हमारा हम 3D वर्ल्ड से उठकर 5D में आए, उठकर चीजों को देखे, अपने गलतियों को समझे, हमारा सोल मैच्योर हो, उस कहते हैं ना, ये जब आती है वो सुप्रीम पावर चाहती है हम उनसे करीब आ जाए, हम तो उनसे और दूर चले जाते हैं, पाखंड की दुकानों से दूर रहना, ये तुम्हारा दोष है, तुम्हारा बच्चा दूर होएगा, तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, हस्बैंड ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये चल मत घबराओ, कुछ मत घबराओ यार, सीधी बात है कि नहीं। बाकी मैग्निफाइड हीलिंग की जो क्लास है कब है, 20th मार्च के आसपास है, रजिस्ट्रेशन ऑन है। अपने चक्रास को हील करो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो, अपने DNA को हील करो, इट इज ब्यूटिफुल। जिस चीज ने कैंसर तक की बीमारियों को हील कर रहा है, 7 modalities ऑफ हीलिंग को जब मिला देंगे, दैट इज मैग्निफाइड हीलिंग। शाइना सेठ को याद रखोगे जिंदगी भर तक, ये वो हीलिंग है, सीधी बात है। और वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सएप कर देना, पाशा लोगों मेरे पास असिस्टेंट नहीं, आपको पता ही है ना, व्हाट्सएप कर देना या नॉर्मल मैसेज कर देना, मैं कॉल बैक जरूर करूंगी, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मैं कॉल बैक मैसेज जरूर करूंगी, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, कुछ ना समझ आए कमेंट करना, जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है पाशा लोगों। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक क्यों नहीं करते, आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।